पश्चिम बंगाल में खूनी सियासत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। वर्धमान में एक और बीजेपी की कार्यकर्ता की हत्या के बाद से टीएमसी पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने इस हत्या के लिए टीएमसी को कसूरवार ठहराया है, हालांकि टीएमसी ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। सियासी हिंसा के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 3 दिन के नॉर्थ बंगाल के दौरे पर जाने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में सियासी हत्याओं का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। वर्धमान में बीजेपी के कार्यकर्ता का शव मिलने से बवाल मच गया है। एक और कार्यकर्ता की मौत से दुखी बीजेपी का गुस्सा भड़क उठा है। वर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वर्धमान में 2 दिन से लापता बीजेपी कार्यकर्ता सुखदेव प्रामाणिक का शव 2 दिन बाद गांव के एक तालाब के पास मिलने से हड़कंप मच गया। परिवार का आरोप है कि हत्या के बाद शव को गांव के पास फेंका गया है। इस हत्या के पीछे टीएमसी के लोगों का हाथ है। कार्यकर्ता की मौत की खबर से बीजेपी के कई स्थानीय नेता सड़क पर उतर आए। ममता सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक हिंसा की वारदातों के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से सेंट्रल फोर्स तैनात करने की मांग कर दी है। बताएं कि उनकी जमीन खिसक गई तो आतंक के बल पर फिर से कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि बंगाल के संस्कार और संस्कृति में कहीं पर भी आतंक और भय नहीं होना चाहिए, और हम चुनाव आयोग से प्रार्थना करेंगे कि लोग निर्भीकता से वोट डाल सकते हैं और ये आतंक और हिंसा की राजनीति समाप्त हो, इसके लिए अभी से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय करें। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई। 2 दिन पहले ही उत्तर 24 परगना के हालीसहर में बीजेपी का प्रचार कर रहे सैकत धवाल को पीट पीट कर मार डाला गया। लोहे की रॉड और की लगी हुई लाठियों से उनको तब तक मारा गया जब तक उनकी जान नहीं निकल गई। तस्वीरें इतनी भयानक हैं कि उन्हें साफ साफ दिखा नहीं सकते। रॉड था उसका, जो पुलिस का भी डांडा, जो इलास्टिक जो डांडा वो भी था उसका, बारह बारह जो कोदाल होता है, कोदाल बेलचा, उसका डांडा था और उस समय ब्रेक लगा हुआ था। बंगाल में बीजेपी जोरदार तैयारी में जुटी है। 2019 का अधूरा मिशन बीजेपी 2021 में पूरा करना चाहती है, लेकिन रास्ते में ममता बनर्जी खड़ी हैं। ममता बनर्जी ने पूरा जोर लगा रखा है। सियासी हिंसा के बीच मुख्यमंत्री आज से 3 दिन के नॉर्थ बंगाल दौरे पर निकलने वाली हैं। आज ममता बनर्जी सिलीगुड़ी जाएंगी। 15 दिसंबर को जलपाईगुड़ी और 16 दिसंबर को कूचबिहार में उनका कार्यक्रम है। बीजेपी को चित करने के लिए ममता बनर्जी पूरे एक्शन में है। एक तरफ वो केंद्र सरकार से जमकर लोहा ले रही हैं, तो दूसरी ओर पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम कर रही हैं।